गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी के ई वे बिल पोर्टल में 9 सितंबर 2020 को दो बड़े अपडेट किए गए हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। क्या है वो अपडेट, आप देख पा रहे हैं यहां पे मैंने ओपन करा हुआ है जीएसटी ई वे बिल का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे तो एनहांसमेंट इन ई वे बिल फॉर्म के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है डाउनलोड ऑफ ई वे बिल्स फॉर सिलेक्टेड मंथ अवेलेबल अंडर रिपोर्ट्स फ्रॉम 8 AM टिल 12 PM, यानी कि 4 घंटे के लिए आपके पास एक विंडो अवेलेबल रहेगी जिसमें आप अपना ई वे बिल का मंथली डेटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सर, इस मंथली डेटा का क्या काम है, इसको हम लोग डाउनलोड करके करेंगे क्या? मैं आपको बता दूं, अभी तक जो होता है वहां पे आपको डेट वाइज इनवॉइसेस के लिए ई वे बिल जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास मंथली डेटा अवेलेबल रहेगा तो आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एनुअल रिटर्न या फिर हर महीने की जो आप GSTR 3B फाइल करते हैं उस डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो ई वे बिल जनरेट हुआ है उसका इनवॉइसेस कहीं मिस तो नहीं हो गया। इन दोनों पर्पस के लिए आप अपना ई वे बिल का डेटा मंथली डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ इनवर्ड सप्लाई का जो डेटा है वो भी। इनवर्ड सप्लाई का मतलब, अगर आपके GSTN पे किसी सप्लायर ने कोई इनवॉइस इशू किया और उसका ई वे बिल जनरेट किया है तो उसका भी डेटा अब आप डाउनलोड कर पाएंगे मंथ बेसिस पे। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो एनुअल रिटर्न फाइल होना है और जो हमारा 9C फाइल होना है ऑडिट के लिए, उसमें आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ई वे बिल जो है प्रॉपरली जनरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर इनवॉइस के लिए ई वे बिल एप्लीकेबल था बट वो जनरेट नहीं हुआ तो अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्टिंग जो है वो करनी होगी। और फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड जो GSTR 9 और 9C की फाइलिंग होनी है, जिसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 20 सितंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स जो है वो बुक करा सकते हैं। अब देखिए, आप ये रिपोर्ट्स जो है वो कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और उसका किस तरीके से रिकंसिलेशन होगा। आपको जाना है अपने ई वे बिल के डैशबोर्ड पे, इसमें आप रिपोर्ट्स सेक्शन में जाएंगे। रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद MyEWB रिपोर्ट्स, ये जो है आपका MyEWB रिपोर्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर मंथ वाइज डाउनलोड ई वे बिल्स का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें दो ऑप्शंस हैं, आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स एंड इनवर्ड सप्लाई डिटेल्स, यानी कि अगर आपका परचेज का कोई ई वे बिल है तो उसका भी मंथ वाइज डेटा जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आउटवर्ड डेटा आप चेक करेंगे, लेट सपोज 18-19 के लिए मार्च 19 का आपको डेटा जो है डाउनलोड करना है, ये आप सिलेक्ट करेंगे पीरियड और गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बता देगा ये कि मार्च 19 में कितने ई वे बिल्स आपने जनरेट किए हैं फॉर द टैक्स इनवॉइसेस। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने 3B में कितना इनवॉइसेस दिखा रखा है जो कि ई वे बिल की लिमिट से ऊपर है और सारे का ई वे बिल जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। दिस रिपोर्ट एक्सक्लूड्स ई वे बिल विच आर नॉट हैविंग पार्ट बी एंट्री। जब आप ई वे बिल जनरेट करते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ई वे बिल तभी जनरेट होता है जब दोनों पार्ट में डिटेल जो है वो भर दी जाए। सिर्फ पार्ट ए अगर आप भरते हैं, यानी कि सिर्फ इनवॉइस डिटेल भरते हैं, तो वो एंट्री आपको इस रिपोर्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि कंप्लीट ई वे बिल जनरेटेड रिपोर्ट ही जनरेट करके देगा। इसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके सामने एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उस एक्सेल फाइल में जाकर के आप इनवॉइस वाइज डेटा जो है वो चेक कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ओपन हो चुका है यहाँ पर, जो हमारे 6 इनवॉइसेज हैं जिसका ई वे बिल जनरेट हुआ। ई वे बिल नंबर है, ई वे बिल जनरेशन डेट है, सप्लाई टाइप आपको बता दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर बताया जाएगा,
डॉक्यूमेंट का डेट यानी कि इनवॉइस डेट क्या है, अदर पार्टी जीएसटी जिसको आपने माल बेचा है उसका क्या जीएसटी नंबर है वो आपके सामने अवेलेबल होगा, जीएसटीन जो आपने भेजा है तो आपका जीएसटीन नंबर, कौन से जीएसटीन को भेजा गया है वो आ जाएगा, एड्रेस आपका आ जाएगा, यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल रहती है। यहाँ पर पूरा का पूरा आइटम डिटेल्स, एचएसएन कोड, एसेसेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट जो है सारी चीजें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर ई वे बिल की वैलिडिटी कब तक है वो भी अलोंग विथ डेट जो है वो बता दिया जाएगा। अगर आपने कोई ई वे बिल जनरेट किया है और सामने वाली पार्टी ने उसे रिजेक्ट किया है तो उसका रिजेक्शन रीजन जो है वो भी आपको इस रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा अपना डाउनलोड कर सकते हैं हर महीने का और इकट्ठा आप रिकनसाइल जो है वो कर लेंगे। फरवरी 19 में जैसे हमारे पास 9 इनवॉइसेस हैं जिसका ई वे बिल जनरेट हुआ है, जनवरी 19 में 7 इनवॉइसेस है जिसका जनरेट हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन और अवेलेबल हो जाए तो कहने ही क्या है, पूरा फाइनेंशियल ईयर वाइज डेटा अगर डाउनलोड करवा लेते हैं तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा काम करना। हालांकि ये मंथ वाइज करने से भी कुछ रिलैक्सेशन तो मिल ही जाएगा। इसी तरीके से इनवर्ड सप्लाई का जो डेटा है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका कोई परचेज का ई वे बिल है तो वो भी आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये हो गया पहला अपडेट। दूसरा अपडेट है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स से रिलेटेड। वो बताया गया है कॉम्पोजिशन डीलर्स कैन जनरेट ई वे बिल्स ओनली फॉर द इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंट अंडर सप्लाई कैन बी ओनली बिल ऑफ सप्लाई। कहने का मतलब है कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आपको निकालना क्या है ई वे बिल, तो आपको पता होगा एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल करने की अनुमति नहीं होती है कॉम्पोजिशन वालों को, तो उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए ई वे बिल निकालने की फैसिलिटी जो है वो इनेबल कर दी गई है अगर बियॉन्ड लिमिट इनवॉइसेस है। साथ ही साथ टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, इसीलिए उसे सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई ही सिलेक्ट करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ ई वे बिल। यानी कि जब आप ई वे बिल निकालेंगे तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है या फिर रेगुलर। अगर कॉम्पोजिशन है तो यहाँ पे आप बिल ऑफ सप्लाई करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई का नंबर देंगे और यहाँ पर जो जीएसटी नंबर होगा वो सेम स्टेट का होना चाहिए, अदर स्टेट का वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये दो बड़े अपडेट जो कि जीएसटी के ई वे बिल पोर्टल पे 9 सितंबर 2020 से किए गए हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी का जो ई वे बिल पोर्टल है उसके अंदर दो एनहांसमेंट्स जो किए गए हैं उसका क्या यूज आपके लिए होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।